जय हिंद। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कुंकड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, इन 22 भाषाओं को मैं आपको इसी स्पीड में मैप की सहायता से याद करा दूंगा। आपको रट्टा फिक्सेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो रग रग है उसमें ये 22 भाषाएँ दौड़ने लगेंगी। हालांकि जो मैं आपको बात बोलूँगा, जो आपको यहाँ पे सलाह दूंगा, उसको बस आप फॉलो कीजिएगा। जो जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो कर लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार रटने या फिर उसको बार बार देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉन्ग लास्टिंग याद हो जाएगा ये 22 भाषाएँ। ठीक, तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 22 भाषाएं हैं ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। भारत में आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उसी में ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 ही भाषाएं था, लेकिन संविधान संशोधन के पश्चात आपको अभी मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं का वर्णन है। चलिए अब आते हैं आपको मैप पर और मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज़। देखिए ये मैप हो गया, जो जो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ बता रहा हूँ बस उसको आप फॉलो कीजिएगा, आपको ये 22 भाषाएँ याद हो जाएंगी। यहाँ मैं आपको ब्लैक ले रहा हूँ मार्कर, जिससे कि सहायता मिलेगा आपको बताने में। तो सबसे पहले पेयर के सहायता से याद करेंगे। सबसे पहले लेंगे चार का पेयर लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले लेंगे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ये पूरा जो क्षेत्र है आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, इस सभी जगह हिंदी बोला जाता है। तो देखिए याद कीजिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इसको आप चार बार बोलिए मेरे साथ। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बोल दिए। अब वीडियो को पॉज करके दो बार अपने मन में बोलिए। बोलिए। तो चलिए अब आगे आते हैं। ये हो गया कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद आते हैं बंगाली, असमी, उड़िया। बंगाली, असमी, उड़िया। बंगाली, असमी, उड़िया। एक बार बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। इसको एक बार बोल दीजिए, इस सातों लैंग्वेज को, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। और ऐसे ही जैसे आपका मैप में एकदम दिमाग में आना चाहिए कि कश्मीरी कहाँ है, कश्मीरी भाषा कहाँ बोला जाता है, सिंधी कहाँ हो गया, पंजाबी कहाँ हो गया, हिंदी कहाँ हो गया, बंगाली कहाँ हो गया, आपको असमी कहाँ हो गया, उड़िया कहाँ हो गया। ठीक ना, ये बात मतलब ये जो आपको मैप है ये मैं मैप की सहायता से इसलिए याद करवा रहा हूँ कि आपको पिक्टोरियल फॉर्म में याद हो जाएगा। इस सातों लैंग्वेज को आप याद कर लिए होंगे। एक बार फिर से बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। उसके बाद आगे आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आगे आते हैं तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तो जो ये आपको मैं दिखाया हूँ छह लैंग्वेज, इसको याद कीजिए, गुजराती, मराठी, कन्नड़। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाया गया है तो इसको भी आप मतलब देख सकते हैं इसकी सहायता से भी। देखिए क्या क्या यहाँ पे हुआ था, मतलब देखिए गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इसको याद कर लिए। तो ये आपको मैप की सहायता से मैं इतना भाषाओं को याद किया कराया, ठीक ना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा भाषा बच जाता है कितना हुआ, ऊपर का 7 हुआ था और ये 13 हुआ, बाकी कितने बचते हैं, तो बाकी बचते हैं 9। उन 9 को मैं याद करा रहा हूँ, उसको आप पेयर के तौर पर याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ये इसको आप याद कर लिए ना। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से अपने मन में बोलिए कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इसको दो बार आप दिमाग में अपने बैठा कर बोलिए और ऐसे ही मैप से कैसे मैप अपने दिमाग में से सामने लाइए और बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ऐसे बोलना है और आपको याद हो जाएगा, एकदम सामने आपका मैप चलना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक ना। देखिए आगे बात करते हैं, जो दो तीन चीज़ है उसको याद कीजिए। सबसे पहले अब याद कीजिए उर्दू और संस्कृत को एक जगह, उर्दू और संस्कृत को आप एक जगह याद कीजिए, ठीक ना। उर्दू और संस्कृत को आप एक साथ याद कीजिए, उर्दू और संस्कृत को एक साथ याद कीजिए। तो ये आपको दो एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद आपको याद करना है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, आपको याद करना है नेपाली मणिपुरी और उसके बाद कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो एक बार ये दो पेयर को याद करना है, उर्दू संस्कृत, उसके बाद इसको याद करना है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको भी आप दो दो बार बोलिए, उर्दू संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू संस्कृत एक जगह मतलब अलग, इसको अलग याद करना है दोनों को, और इन तीनों को अलग से याद करना है। उर्दू संस्कृत अलग याद करना है और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको तीन बार बोलिए, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जो बच जाता है उसको याद कर लिया जाए। चलिए आगे बच जाता है जो चार लैंग्वेज अभी बाकी हैं उसको याद कीजिए। तो वो है आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस चारों को याद कीजिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको आप 5-6 बार बोलिए, वीडियो पॉज करके 2 बार बोलिए।
ठीक है ना, वो वीडियो पॉज करके दो बार बोलिए। अब आते हैं अपने जो मेन मुद्दा है उस पर, मेन जो मुद्दा है उस पर आते हैं। अब 22 भाषाओं आपको जरूर याद हो गए होंगे, एक बार मेरे साथ यहाँ पे आप एक बार दोहराइए और बोलिए, शुरू से स्टार्ट कीजिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, उसके बाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये हो गया आपका मैप के अनुसार। उसके बाद क्या एक्स्ट्रा याद करवाया था, दो एक्स्ट्रा याद करवाया था उर्दू, संस्कृत, ये दो एक्स्ट्रा याद करवाया था। उसके बाद याद करवाया था आपको नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये याद करवाया था तीन को एक साथ। उसके बाद चार को एक साथ याद करवाया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपको 22 भाषाएं हो गए। 22 भाषाएं आपको एकदम कंठस्थ याद हो गया होगा। एक काम कीजिएगा, ये वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी पे आप अपने दिमाग से अपने सोच कर चार बार उतारिएगा इस चीज़ को, भले आपको ये वो लगे, मतलब एक थोड़ा सा नहीं लगता है कि चार बार उतारना थोड़ा सा अटपटाहट लगे, लेकिन यकीन मानिए जब तीन चार बार उतार लेंगे कॉपी में तो कभी भी नहीं भूलेंगे बाबू, कभी भी नहीं। बाकी आगे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ कि ये जो आपका जो 21वां संविधान 1967 में, बाकी तो 14 आपका मूल संविधान में मैं आपको बताया हूँ कि 14 आपको ये थे क्या बोलते हैं भाषाएँ थे, तो जो 8 भाषाएँ बाद में जुड़ी है वो पहला भाषा आपका जुड़ा था 21वां संविधान संशोधन 1967 में, एक भाषा जुड़ा था सिंधी, ठीक ना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तीन जो आपको मैं पेयर बताया हूँ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, वो जुड़ा है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में चार भाषाएं, जो बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जुड़ा है, ये चार भाषाएं जुड़ा है। तो आई होप आपको सब कुछ याद हो गया होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर तो आप कॉमेंट कर बताइएगा, मैं आपको ऐसे ही मैप की सहायता से या फिर किसी भी प्रकार से आपको एकदम रग रग में वो याद करवा दूंगा। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको दिक्कत है। तो बस यही बताना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब तब तक के लिए जय हिंद, ठीक ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ, फिर कुछ अलग उपाय करते हैं इसके लिए।